अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ही मैं उम्मीद करी नहीं तो सारे खैरियत नाल हो सो तो सारे ते पे नास्ता सीम्स ब्लॉग ब्लॉग ते मेरा एडू जड़े छोड़ के लाजमी आंदे, लेकिन तुहारे एक अच्छे अच्छे व्यूज कहनी आंदे पर मैं कोई ये समझ नहीं लगती पे मेरे ब्लॉग ते। चलो कोई गाल नहीं, हर के मसरूफियात हो तो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ हो सो ही वजह को मेरे व्यूज जरा आज कल घट आते पेन, लेकिन कोई मसला कह नहीं, ब्लॉग तो बढ़ावना ही बढ़ावना है। आज मैं तकरीबन 9:30 बजे उठी हाँ, छुट्टी का जहाड़ा। ये ब्लॉग जरा मेरे मेरे डू जहाड़े का ही वे, क्योंकि डू जहाड़े जरे होते हैं मेरे बाल फुल टाइम मेरे को ना क्या आखो फुल टाइम ड्यूटी खींचन वे। चलो आज वाला सवेर ना 9 बजे ना उठी हाँ। चलो मैं कि घर कोई भी सब्जी कहना है, घर जे जड़े सब्जी ना हो तो घर बिल्कुल खाली खाली लगते, मज़ा नहीं आता। अगर सब्जी होवे भी पई तो बंदा जहनी तौर पर घर सब्जी गोश्त प्यार आवे तो बंदा जहनी तौर पर रिलैक्स होता है, जो असा कहीं मेरे भी कुछ बना सकते से। अगर ये चीज़ा ना हो ना बंदा जहनी तौर पर बंदा भी रिलैक्स कह नहीं होता, दिला दे हूँ ये शह कहनी। चलो अच्छ सवेर का टाइम आ तो मैं वाला सब्जी सारी मंगवा के थी, प्याज लहसन अदरक उसके बाद सब्जियां भी मंगवा के थी, गोभी थी गई, करेले थी गए, बैंगन तो मेरी थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ही वे मैं उम्मीद करी नहीं तो सारे खैरियत नाल हो सो। आज छुट्टी का झाड़ा है बाले ना ते बाले आज मैंने तो सवेर सवेर फरमाइश की थी, बल्कि सवेर ना रात उन्हें आए फिर था अम्मी अस्सा ना आज आलू के पराठे कहो। चलो मैं ठीक है, आज मैं तो सवेर आलू के पराठे बनाने था, सवेर नाल का टाइम तो कह नहीं तकरीबन 12:00 का टाइम है, छुट्टी वाली बार बाल सुते ही पै रहा ते ए मेरे आलू सवेरे मैं बॉयल किए, बॉयल करके नमक मिर्चा सब्ज धनिया सब्ज मिर्चा बिल्कुल एक कटी है थोड़ी जी बरीक करके, क्योंकि आजकल जो मिर्चा आया पहले छोटे छोटे बहुत तेज इन में नमक मिर्चा वो तो बस सूखे धनिया थी गया जीरा थी गया वो भुन के सटिए थोड़ी चाट मसाला चले हूँ। ये आलू बिल्कुल तैयार है, बाकी पराठे वास्ते ये मैं पेड़े सारे पराठे वास्ते मैं पेड़े सारे बना के दिन हूँ मैं पराठे ने अज आलू वाले पराठे का अज आलू वाले पराठे बने दी बाले वास्ते बेलने की मदद तो मैं हल्का जहाँ एक बदले सकता हाथ मैं ज्यादातर हाथ ना ही बदली रोटी बेलना छेलना कोई नहीं होता मेरा। ये है मेरी सवेर सवेर 12 बजे मेरी बड़ी बेटी का नाश्ता, मेरे बाल सारे उठिए गिन भी बड़े सवे दी ते बाले को डे सवे दी तो गिन सन। ये है रोजा का नाश्ता ते आलू के पराठे बने ना ते हर कोई, लेकिन मेरी रेसिपी इवें है जो मैं बहुत आसान और इजी तरीके नाल बने दी ते मैं इवें ही बने दी। चलो भी आलू के पराठे बन गए, शाम का टाइम था बाले हैं कि अम्मी सारे वास्ते ना बाजार का पिज्जा शिज़ा ना हो, मेरे को सब पास्ता ते पिज़्ज़ा बना रहे तो खुद बना रहे, लेकिन मैं कभी पिज़्ज़ा वगैरह बनाया कह नहीं। चलो मैं कोई गाल नहीं, एक काम ही कर गिनते से बोर ही थी पी अम्मी, क्योंकि संडे वाली बार आती मैंने भी कहना चलो मैं क्या जुल के किचन पिज़्ज़ा बनाने से तो पास्ता तो मैं वैसे बना गिनती हाँ पिज़्ज़ा बनाने से। चलो भाई पिज़्ज़ा बनावन की रेसिपी जी है मेरे सामने तो नजर आती पी है, मैं पहले मतलब उन्हें डो वास्ते आटा गूंदी अम्मी उन्हें ईस्ट थोड़ी जहाँ नमक वो मतलब गूंद के गर्म पानी ना नीम गर्म पानी ना गूंद के तकरीबन घंटे दो घंटे वास्ते रख दिता। चलो मैं हम पिज़्ज़ा बनावन दिता से वो माशाल्लाह डो तो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। उसके बाद वाला हूँ ये प्रोसीजर है, हूँ पेड़ा बना के हूँ मैं रोटी है गोल करके नॉर्मल साइज की रोटी बनावनी, बहुत पतली नहीं करनी मोटी नहीं करनी, ये बस रोटी बना के हूँ उदो तो पिज़्ज़ा सॉस लेने पैसे पिज़्ज़ा सॉस ला के बहुत सारी ढिग सारी मैं उदो चीज़ सड़ दी है, क्योंकि बाले दी ये बार बार ही अम्मी चीज़ बहुत सटनी है चीज़ बहुत सटनी है पिज़्ज़े ते। चलो मैं बहुत सारे वाला पिज़्ज़े ते चीज़ सड़ दी है ते मैं के जिमें बाल आधे में जाते मैं उम्मीद करी वाली हाँ, लेकिन मैं कोई आइडिया कहना हाँ कि मेरा इतना मेहनत करें पे जो क्या रिजल्ट निकल से, क्योंकि मैं कहीं भी पिज़्ज़ा नहीं बनाया आज पहली दफ़ा पिज़्ज़ा बनाए। चीज़ सटन के बाद उसके बाद मैं बोला चिकन भी फ्राई करके दा हमें चिकन सारा सड़ दिता हमें और उसके बाद सब्जियां शिमला मिर्च थी गई प्याज थी गया उसके बाद छोटे छोटे टमाटर के पीस ये सारे कट के कट करके ना ये भी सारी चीज़ा उत्ते ही मैं सड़ दिता हमें तो ये हूँ उसके बाद ये सारे सब्जियां सटन के बाद मैं उसके उत्ते कहना कुटी भी जी मिर्च होती है वह भी थोड़ी सटी मी भला एक तो वाला चीज़ सड़ दी मैं कहता काफ़ी चीज़ी पिज़्ज़ा बने और उसके बाद आरगेनो जरा है वो उत्ते सड़ दिता मी थोड़ा जहा हूँ पिज़्ज़ा तो रेडी थी गया वे हूँ दिल का ओवन बनावा, लेकिन पिज़्ज़े की रेसिपी जी मी
पतीले बिच उन्हें आके परफेक्ट बनते तंदूरी पिज्जा। चलो फिर मैं पतीले बना के उन्होंने पतीले बनाए, ये मेरे फाइनल पिज्जे की लुक के, लेकिन शक्ल अच्छी आई और खावन का भी टेस्ट ही अच्छा। उन्दे बाद लज़ाइरा है कि हमें सब पास्ता बनाने, चलो मैं कि हम किचन खड़ गया थे पास्ता ही बनाएंगे। पास्ता तो मैं हमेशा बनाती ही रहती हाँ, पास्ते में ही मैं सब कुछ छड़ लेती रहती हाँ, कहना इसी नूडल्स छड़ लेती हाँ, चिकन छड़ लेती हाँ, सब्जियां छड़ लेती हाँ, चीज़ थी गई, क्रीम थी गई, हर शायद सट सुट करके यही भी परफेक्ट मेरा पास्ता। पास्ते का टेस्ट वाकई बहुत चंगा हावे, इन कोई शक नहीं। पिज्जे का भी अच्छा हा, लेकिन पहली दफ़ा बनाए में कोई मसला कह, नेक्स्ट दफ़ा लेकिन बाजार चो एक इंसान, मेरा पहला और आखिरी तजर्बा हा, लेकिन पास्ता सारे घर बनता रहता है। मैं उम्मीद करी हाँ तो मेरी ये वीडियो पसंद हो सी, तुम लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो, शेयर करे सो, क्योंकि आज मेरे दू जहाड़े दिए छोटे छोटे क्लिप्स हैं जिन्हें मैं बनी रह गई और मेरी रूटीन भी यह रह गई है। अगला मिल सू एक नवी वीडियो के नाल, अल्लाह हाफिज़।